जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर योगा टेक में। तो दोस्तों, आज हम जो आपका ICAR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसके कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको पूरा जो है कट ऑफ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी सटीक चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मैं भी जो है ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने गया था और मुझे भी पता है कि उसका लेवल कैसा आया था, ठीक है। कुछ वीडियो वाले क्या करते हैं कि देखिए, जैसे आपका एग्ज़ाम पूरा हो गया तो उसके बाद ही कट ऑफ की वीडियो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम पूरा जो स्टूडेंट का एनालिसिस करते हैं, फिर उनका जो उनसे बात करने के बाद ही पूरा ये वीडियो मैं बनाया हूँ और साथ ही कट ऑफ सेट किया हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका पासिंग मार्क्स कितना बताया गया था। तो देखिए, जो आपके पासिंग मार्क बताए गए थे कैटेगरी वाइज, तो देखिए जो UR में 40% बताया गया था, SC ST और जो माफ़ करना SC OBC और NC EW दिया है, ठीक है। तो इसमें 30% और ST में 25%, तो ये हो गया पासिंग मार्क। तो अब हम बात करने पहले तो देख लेंगे कि 2018 में जो आपका कट ऑफ है वो गया कितना था। तो देखिए, अगर बात करें ICAR IAR टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यानी जो 2018 का कट ऑफ था, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज हम एक एक करके कट ऑफ को देखेंगे। तो देखिए, जनरल का कट ऑफ गया था, वो गया था 53 पे, OBC का गया था 50 पे, SC का गया था 45 और ST का गया था 42 मार्क्स पे, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको काफ़ी कम लग रहा होगा, ठीक है, तो क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है पिछली बार काफ़ी लेट हो गया था इसलिए, ठीक है। तो काफ़ी से कैंडिडेट जो है प्रेजेंट नहीं हुए थे एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो हो गए 2018 की बात। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस बार का कितना जा सकता है। तो देखो, हम अब इस बार के कितने कट ऑफ जा सकती है तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देखने वाले हैं। तो जनरल का देखिए, जहाँ तक मेरी माने और जो भी कैंडिडेट से मैं बात किया हूँ, ठीक है, लगभग बहुत से कैंडिडेट को मैं रिव्यू लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं अपने खुद के मन से बता रहा हूँ। तो देखिए, जो जनरल का कट ऑफ है, बहुत से कैंडिडेट ने भी बताया कि सर पेपर का लेवल जो है काफ़ी टफ था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन मैथ से भी आए थे और जो सोशल साइंस का सेक्शन था आपके उससे भी आए थे। तो देखिए, जो जनरल का कट ऑफ है वो जा सकता है आपका 68 से लेकर 74, यानी जो 74 हाईएस्ट मार्क जो और लोएस्ट मार्क आपका रहने वाला है 68 के बीच में, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है आपका रह सकता है जनरल के लिए। अगर OBC की बात करें तो वो रह सकता है आपका 65 से लेकर 72 के बीच में, ठीक है, 65 टू 72 के बीच में आपका OBC का कट ऑफ रह सकता है। अगर SC की बात करें तो वो रह सकता है आपका 62 से लेकर 67 के बीच में, ठीक है। तो SC ST का देख रह सकता है आपका 58 से लेकर 64 के बीच में। तो आप बोल रहे होंगे सर ये कट ऑफ इतना कम क्यों बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम को गए होंगे तो आपको भी पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा था और साथ ही क्वेश्चन किस तरह के आए थे। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे, तो अगर कट ऑफ आएगा तो आप मिला के देख लीजिएगा, 101% इसी के बीच में जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इसके बीच में आते हैं कैटेगरी वाइज तो टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था कट ऑफ का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट में लिखते चलिए, और साथ ही कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड है कुछ भी तो हमें कमेंट पर बताते चलिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।